एक बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक आश्रम था। वहाँ पर एक गुरु अपने विद्यार्थियों को गुरुकुल में शिक्षा देते थे। उसमें कई विद्यार्थी बैठकर शिक्षा प्राप्त करते थे, पर गुरु के बार बार समझाने पर एक विद्यार्थी ऐसे थे जिसको समझ में नहीं आ रहा था। तब गुरुदेव को गुस्सा आया। उसने कहा कि बेटा इधर आओ, तुम्हारा अपना हाथ दिखाओ। और वो विद्यार्थी उनको अपना हाथ दिखाता है। गुरुदेव ने कहा कि बेटा तुम्हारे हाथ में विद्या रेखा नहीं है, तुम घर चले जाओ, अपना समय व्यर्थ मत गवाओ। विद्यार्थी ने कहा कि गुरुदेव ये विद्या रेखा कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने अपने शिष्यों में से एक विद्यार्थी को बुलाया और कहा कि देखो इसके हाथ में ये विद्या रेखा है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो विद्यार्थी अपने कक्ष में जाकर एक चाकू से, जिस चाकू से वो रोज अपना दातुन को काटते थे, उसी चाकू से हाथ में जहां पे विद्या रेखा होती है वहां पर उसने काट कर विद्या रेखा बना दी और उसी को गुरुदेव के पास जाके दिखाने लगे। गुरुदेव अब देखिए मेरे हाथ में विद्या रेखा है। तो गुरुदेव ने जब देखा कि इसके अंदर शिक्षा प्राप्त करने की कितनी इच्छा है तो उनका हृदय द्रवित हो गया। उसने उसको गले लगा लिया और कहा बेटा दृढ़ निश्चय और परिश्रम से लोग अपने हाथों की रेखाओं को बदल सकते हैं, तुम वो कर सकते हो। तो दोस्तों पता है वो विद्यार्थी कौन है? ये विद्यार्थी आगे चलकर महर्षि पाणिनी नाम से विख्यात हुई है, जिन्होंने अष्टाध्यायी जो व्याकरण शास्त्र है उसकी रचना की थी। इतनी सदियां बीतने के बाद भी, लगभग 2700 वर्ष बीतने के बाद भी आज तक किसी भी भाषा में इतनी उत्कृष्ट भाषा व्याकरण की जो रचना है वो लिखी नहीं गई। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परिश्रम और लगन से हम अपने हाथों की रेखाओं को भी बदल सकते हैं। लोग चाहे कुछ भी कहे, हम वो चीज़ बन सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियोज़ लेकर मैं आप लोगों के सामने आता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।